देखो आज मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तुम्हारी यही क्वेरी खत्म कर देता हूं कि गेट एग्जाम तुम्हें देना चाहिए या नहीं। अगर तुम आईआईटी जैम का प्रिपेयर कर रहे हो या फिर बीएससी थर्ड ईयर में हो तो तुम्हें गेट एग्जाम देना चाहिए। मेरा बेस्ट सजेशन क्या रहेगा और पहले मैं इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करता हूं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो तुम्हारे पास गेट क्वालिफाइड का एक टैग सा मिल जाता है, बड़ी बात होती है ना कि हम गेट क्वालिफाइड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर मान लो तुम अपने सीवी में डाल सकते हो, ऐसे किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें लिख सकते हो कि आई हैव क्वालिफाइड गेट एग्जाम, तो काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आगे बात करें तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है आजकल वो आईआईटी जैम के साथ, अगर तुम उसमें अटैच कर देते हो कि मेरा गेट भी क्लियर है तो ज्यादा चांसेस बन जाते, तुम्हारी प्रेफरेंस, तुम्हें प्रेफर ज्यादा करते हैं वो एज कंपेयर टू जिसने सिर्फ आईआईटी जैम क्लियर कर रखा। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है आजकल जो कि मांगते हैं कि तुम्हारा अगर गेट स्कोर होगा तो ज्यादा अच्छी बात होगी। काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं टॉप के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम टीएफआर का एग्जाम देने वाले हो तो उसमें अगर तुम्हारा गेट स्कोर भी है तो ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, है ना, तुम्हारे को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। आगे अगर हम बढ़े तो इंटरव्यू में काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है अगर तुम्हारे पास गेट स्कोर है तो। जितने भी इंस्टीट्यूट है जो इंटरव्यू लेते हैं एग्जाम के बाद, अगर वहां पर तुम्हारे पास गेट का स्कोर भी है प्रेफरेंस बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए। अगर क्वालिफाइड टैग मिल जाएगा सीवी में ऐड कर सकते हो, मतलब अगर तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो और गेट स्कोर भी तुम्हारे पास है तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे मैंने बताया टीएफआर और भी जितने भी जिसमें भी इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें काफी ज्यादा तुम्हारी हेल्प हो जाती है। और मैंने सोचा यार एक वीडियो बना ही दे ताकि सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। और नेक्स्ट हमारे पास अगर तुम मान लो आईआईटी जैम से कंपेयर करो तो आईआईटी जैम में हमें पता है एमएससी कर सकते हैं हम, है ना, या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हैं। यहां पे क्या होता है अगर मान लो तुमने गेट एग्जाम किया तो तुम एमएससी प्लस एमटेक भी कर सकते हो। वो तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि एमटेक एमएससी कौन सी प्रोवाइड करते हैं, उसे रिसर्च करो तो तुम एमएससी प्लस में एमटेक कर सकते हो। क्या बीएससी के डायरेक्टली बाद तुम्हें एमटेक कर सकते हो? देखो अभी तक जितनी मेरी नॉलेज है, आगे आने वाले फ्यूचर में मैं मतलब वीडियो को अपडेट कर दूंगा ये वाली, बट मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो बीएससी के बाद डायरेक्ट गेट स्कोर के बेस पर तुम्हें एमटेक कराती हो। अगर कोई होगी भी तो वो टॉप के इंस्टीट्यूट्स तो नहीं होने वाले। तो मेरा बेस्ट सजेशन ये रहेगा अगर तुम एमएससी करते हो उसके बाद एमटेक करते हो तो एमटेक के बाद तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है, तो उसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है क्योंकि हम कोर नॉलेज में चले जाएंगे एमटेक में। एमटेक में पढ़ने के बाद सब्जेक्ट के कोर नॉलेज में चले जाते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट अगर तुम मुझसे मेरा कंक्लूजन पूछो कि भैया ये करनी चाहिए नहीं, फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन मेरा ये है कि यार तुम गेट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर तुम गेट मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल या फिर गेट स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन करते हो या किसी भी सब्जेक्ट की करते हो, फिजिक्स से करते हो, कोर सब्जेक्ट से करते हो बीएससी के बाद, तो फायदा पता क्या होगा, तुम सारे के सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। जब तुमने एक बार ये गेट के एग्जाम प्रिपरेशन कर ली तो टीएफआर में भी आ जाओगे, फिर तुम एनबीएचएम का एग्जाम भी दे पाओगे। इस लेवल की प्रिपरेशन करा देता गेट एग्जाम। अगर तुम नेक्स्ट चलो तो मैं कहूंगा कि टीएफआर के बाद हम आईएसआई के लिए भी वैलिड हो जाएंगे, हम सीएमआई के लिए भी वैलिड हो जाएंगे, हम सारे के सारे जितने भी एग्जाम, अगर मैं यहाँ पे कोई भूल भी रहा हूं, सबके सभी एग्जाम तुम दे सकते हो इसके बाद, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। और साथ ही साथ इसका एक छोटा सा सबसेट है आईआईटी जैम। मेरा बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि अगर तुम्हारे पास तुम सेकंड ईयर में हो या फिर तुम फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर खत्म कर चुके सेकंड में अभी अभी एंटर किए हो, तो मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा तुम गेट की प्रिपरेशन करो। तुम्हारे पास टाइम बहुत सारा है, गेट की कर लोगे तो बाकी सारे की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो तुम थर्ड ईयर में हो, आई सजेस्ट यू टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम। कम टाइम में लगभग 6-8 महीने में तुम क्लियर कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी किया है तो तुम भी कर सकते हो। अब तुम कहोगे भैया कंपटीशन बढ़ा रहे हो, हाँ बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं कंपटीशन। तुम्हें कितनी सीट चाहिए? एक। हाँ तो एक तो होती है ना, अरे तुम्हें अपनी एक सीट से मतलब है, एक है उसमें, बात खत्म हो गई। एक से ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना, तो बस बात खत्म। तुम्हें बाकी से क्या लेना, तुम अपनी प्रिपरेशन करो, 6-8 महीने लगाओ और बस 6-8 महीने में तुम्हारा हो जाएगा। तो ओवरऑल पिक्चर बताऊं तो यार इतना ज्यादा, मतलब ऐसे बोलूं तो इतना ज्यादा कुछ खास तुम्हें गेट के बाद नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गेट से मेजरली हम कर सकते थे एमटेक, लेकिन बीएससी के डायरेक्टली बाद एमटेक कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं करा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। रीजन, क्योंकि तुम बाकी सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास और यहां पे गेट तुम्हारी हेल्प करेगा, गेट का स्कोर तुम्हें आगे ले जाने में, तुम्हें इंटरव्यू में भी अच्छा इंप्रेशन डलवाने में यहां पे हेल्प करेगा अगर तुमने गेट की प्रिपरेशन करी।
तो एमटेक की अगर बात करें तो वहां पे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, अगर बाकी जगह पे देखें तो इन इंस्टीट्यूट्स में थोड़ी सी तुम्हारी मतलब ये एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, और अगर तुम इसकी प्रिपरेशन करते हो तो आईआईटी जैम हो ही जाने वाला है, बस टेस्ट सीरीज खरीदनी होगी, और अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो इसको छोड़ के गेट को इसकी प्रिपरेशन करो आईआईटी जैम की, दिस इज द बेस्ट, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस। तो कंक्लूजन मेरा ये रहता है, टाइम पे डिपेंड करेंगी सारी चीजें, टाइम है सेकेंड ईयर में हो, टाइम है हमारे पास 1.5-2 साल, गेट की प्रिपरेशन टाइम नहीं है, 6-8 महीने रह गए हैं, थर्ड ईयर में हो तो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन, दैट इज माय बेस्ट सजेशन। आते हैं अपने लेक्चर पे, इसको मैं रब करता हूं।